Hey guys, so we are going to start with decision trees, and over here we are going to discuss about the introductory parts and the geometric intuition behind this algorithm. So start karte. So before starting, I would say this ki decision trees are very very intuitive. Matlab, it's one of those algorithms jo tumko samajh mein aata hai ki behind the scenes kaam kaise kar raha hai, right? सो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे ऑटोमेटिकली हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा. ठीक है, जैसे ये एक सैम्पल डेटा सेट है जो मैंने क्रिएट किया है. इमेजिन दैट दिस डेटा सेट इज ऑफ सम प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर, और इसमें तीन कॉलम्स हैं जहां पे मैंने डेटा गैदर किया है मेरे कुछ कस्टमर्स का. मैंने उनका जेंडर देखा और मैंने उनका ऑक्यूपेशन देखा और मैंने ये नोटिस किया या ये रिकॉर्ड किया कि उन्होंने कौन सा ऐप डाउनलोड किया. ठीक है, सो लेट्स फॉरगेट कि अभी हम लोग मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं या डिसीजन ट्रीज पढ़ रहे हैं. एक बार एकदम प्रोग्रामिंग मोड में आके इस डेटा को एनालाइज करो एंड टेल मी कि विल यू बी एबल टू राइट अ प्रोग्राम जो इस डेटा के ऊपर बिल्टअप हो, और अगर कल को कोई नया यूजर आता है और मुझे उसका जेंडर और ऑक्यूपेशन पता है तो क्या मैं उसको एप्स रिकमेंड कर सकता हूं कि नहीं. ठीक है, सो नाउ एक मिनट के लिए तुम वीडियो को पॉज करोगे तो यू विल नोटिस कि ऑक्यूपेशन वाले कॉलम को अगर तुम देखो ध्यान से तो तुम इसके बेसिस पे बहुत इजीली अपने पूरे डेटा को स्प्लिट कर सकते हो. नोटिस करो, जहां जहां भी स्टूडेंट है इस जगह पे या इस जगह पे, उसने हमेशा पबजी ही डाउनलोड किया, राइट? तो तुम इजीली अपने डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहे हो, स्टूडेंट्स नॉन स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन स्टूडेंट्स. सो नॉन स्टूडेंट्स में यू कैन सी कि अलग अलग एप्स डाउनलोड हुए हैं, राइट? अब यहां पे तुमको सेकेंड वाला कॉलम काम आएगा, और तुम नोटिस कर सकते हो कि जब भी जो हमारा प्रोग्रामर है वो फीमेल है तो उसने गिटहब डाउनलोड किया, और जब भी मेल है तो उसने व्हाट्सएप डाउनलोड किया. नाउ दैट यू हैव नोटिस्ड दिस, यू कैन ईजली क्रिएट अ इफ एल्स स्टेटमेंट लाइक दिस. सो फर्स्ट यू राइट अ condition on occupation. So you'll ask if occupation is equal to student, you will print PUBG, or rather you will recommend PUBG. Else you will ask the second question, whether the gender is female. If it is, you will print GitHub. Else you'll print WhatsApp. Simple, right? And that is how decision trees work. This is a decision tree in front of you. Decision trees are nothing but nested if else conditions, और वो बिल्कुल ऐसे ही बिल्ड होते हैं. ठीक है, नाउ यू माइट आस्क कि ओके, मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि वहां पे डिसीजन मेकिंग हो रहा है, बट वेयर इज द ट्री, राइट? सो लेट मी शो यू द ट्री. दिस इज द प्रोग्राम, राइट? नाउ व्हाट आई विल डू इज फ्रॉम दिस प्रोग्राम आई विल बिल्ड अ कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर. सो दिस इज माई फर्स्ट नोड वेयर आई एम आस्किंग द फर्स्ट क्वेश्चन, इज ऑक्यूपेशन स्टूडेंट? And there are two possibilities, right? So if it is yes, I will recommend PUBG. If it's no, then I'll ask the second question, is gender female? If the answer is yes, I'll recommend GitHub. Else I'll recommend WhatsApp. And this structure on the left side of the screen resembles a tree, although ulta hai, matlab normally trees mein root niche hota hai, leaves upar hote hain, but decision trees mein रूट सबसे टॉप पे आता है और लीव्स हमारे बॉटम पे होते हैं. ठीक है, तो आई गेस थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ. तो लेट्स सॉलिडिफाई दैट अंडरस्टैंडिंग विथ वन मोर एग्जांपल. दिस डेटा सेट आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी वेबसाइट. इट्स अ वेरी फेमस डेटा सेट अबाउट प्लेइंग टेनिस. सो वेदर कंडीशंस दी हुई है और सामने बताया हुआ है कि उस प्लेयर ने उस दिन टेनिस खेला कि नहीं. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज कि आउटलुक वॉज सनी, टेम्परेचर वॉज हॉट, ह्यूमिडिटी वॉज हाई, विंड वॉज वीक, तो बंदे ने टेनिस नहीं खेला. सिमिलरली थर्ड रो में इफ यू गो, ओवरकास्ट कंडीशन थी, हॉट था टेम्परेचर, हाई थी ह्यूमिडिटी, विंड वॉज वीक, तो बंदे ने खेला. नाउ अगेन आई वुड रिकमेंड कि एक मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो एक डिसीजन ट्री बनाने का, राइट? अगेन गोइंग बाय द सेम लॉजिक, यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व किस कॉलम के बेसिस पे मैं डेटा को इजिली स्प्लिट कर पा रहा हूं. ठीक है, सो ये मैंने गैदर किया है गूगल से ही. इस डेटा सेट के लिए ये डिसीजन ट्री है. सो यू कैन सी यहां पर
सबसे पहला जो नोड क्रिएट हुआ है वो आउटलुक वाले कॉलम के ऊपर हुआ, एंड सबसीक्वेंटली हमने बाकी के नोड्स क्रिएट किए, राइट? एंड दैट इज हाउ डिसीजन ट्रीज वर्क। इनफैक्ट लेट मी शो यू कि अगर तुम इस डिसीजन ट्री के ऊपर एक नया इनपुट क्वेरी पॉइंट देते हो जिसमें आउटलुक इज रेनी, टेम्परेचर इज माइल्ड, ह्यूमिडिटी इज हाई एंड विंड इज स्ट्रांग, तो क्या होगा? सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन पूछेंगे ऑन आउटलुक। सो यू कैन सी हमारा आउटलुक नए पॉइंट में रेनी है, तो हम ये ब्रांच में नहीं जाएंगे, ये ब्रांच में नहीं जाएंगे, एंड विल डायरेक्टली गेट इन टू द रेनी वाला ब्रांच। देन ऑटोमेटिकली मेरा डिसीजन ट्री मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, टेल मी अबाउट द ह्यूमिडिटी। सो मैंने टेम्परेचर को इग्नोर किया और मैंने ह्यूमिडिटी को देखा। सो ह्यूमिडिटी इज हाई, सो आई विल नॉट प्ले। सो यू कैन सी ऑल दो मेरे पास दो और चीजें थी जिसके बेसिस पे मुझे डिसाइड करना था, बट सिंस मेरा डिसीजन ट्री बना ही ऐसे है तो मेरे को सिर्फ दो ही पॉइंट से मेरा काम चल गया और मेरा लॉजिक काम कर रहा है, एज इन आउटपुट दे रहा है, ठीक है? सो आई थिंक एक रफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा है अराउंड डिसीजन ट्रीज। और देखते हैं एक एग्जाम्पल। यू माइट आस्क कि अभी तक हमने जितना भी डेटा देखा, जितने भी कॉलम्स देखे, सारे के सारे कैटेगोरिकल थे, तो वहां पे चलो हो जा रहा है। वट इफ मेरा कॉलम में न्यूमेरिकल डेटा है, देर आर नंबर्स, तो क्या होगा? सो फॉर दैट ऑल्सो आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल। सो ये आयरिस डेटा सेट, इफ यू रिमेंबर, मैंने उसका एक काइंड ऑफ डेटा कटआउट लिया है। मैंने चार कॉलम्स के बदले से दो कॉलम्स लिया एज इनपुट, विच आर पेटल लेंथ एंड सेपल लेंथ, और मैंने थर्ड कॉलम में टाइप बताया, सेटोसा, वर्सिकलर एंड वर्जिनिका, राइट? नाउ अगेन वन मोर टाइम, एक बार वीडियो को पॉज करो और एक बार सोचने का ट्राई करो कि इस पर्टिकुलर डेटा सेट के ऊपर तुम डिसीजन ट्री कैसे बिल्ड करोगे। सो ध्यान से देखो, जब भी मेरा सेटोसा एज माई फ्लावर टाइप है, यू विल नोटिस कि मेरा पेटल लेंथ इज लेस देन 1.5। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट माई रूट नोड एज पीएल लेस देन 2.0, एज इन आई विल आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या पेटल लेंथ 2 से कम है। इफ इट्स येस, द फ्लावर इज सेटोसा। इफ नॉट, अब हम बाकी के पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे एंड विल आस्क दिस क्वेश्चन। अगेन तुम देख सकते हो, एंड विल आस्क दिस क्वेश्चन कि सेपल लेंथ 1.5 से कम है कि नहीं, और अगर है तो इट्स वर्सिकलर, इफ नॉट देन इट्स वर्जिनिका, राइट? सो इवन ऑन न्यूमेरिकल डेटा यू कैन क्रिएट, और रादर यू कैन डिसाइड ऑन सम स्प्लिटिंग क्राइटेरिया, जैसे लेस देन 2 या लेस देन 1.5, दीज आर द स्प्लिटिंग क्राइटेरियाज इन दिस केस। सो डिसीजन ट्रीज कैन वर्क विथ बोथ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स एज वेल एज न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, राइट? So now that we have got the introduction, let's see the mathematics behind it or the geometry behind it. So again, मैंने same example लिया जहाँ पे sepal length और petal length है मेरे पास, और मैंने x axis पे petal length को डाल दिया, y axis पे मैंने sepal length को डाल दिया, और मैंने सारे points को plot कर दिया। So these are the points, right? Now again, what I'll do is I'll follow these splitting points or these criterias. सो वट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट फाइंड आउट कि मेरा पेटल लेंथ में 2 कहाँ पे है, और वहां पे वट आई विल डू इज आई विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस लाइक दिस, एंड दिस विल एक्ट एज माई फर्स्ट स्प्लिटिंग क्राइटेरिया, राइट? एंड ऑल द पॉइंट्स विच आर लेस देन 2 विल ऑटोमेटिकली बी लेबल्ड एज सेटोसा फ्लावर्स। सो नाउ दीज flowers or these points are setosa and these are all non-setosa points. Now what I'll do is we'll go to the second condition. If you remember, the second condition was sepal length less than 1.5. So abhi kya karna hai ki hum y-axis pe will find out 1.5 and we'll draw a line parallel to x-axis, which will be our second splitting criteria. यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो कट है अब सेटोसा फ्लावर्स के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि सेटोसा फ्लावर्स आर ऑलरेडी क्लासिफाइड। ये जो कट पड़ेगा वो नॉन सेटोसा फ्लावर्स के ऊपर ही पड़ेगा, ठीक है? और अब हम लोग इजिली क्लासिफाई कर सकते हैं कि जिनका भी पेटल लेंथ 2 से ज्यादा है और सेपल लेंथ 1.5 से कम है, वो सारे के सारे फ्लावर्स अपने वर्सिकलर हैं, और जिनका भी पेटल लेंथ 2 से ज्यादा है और सेपल लेंथ भी 1.5 से ज्यादा है, वो सारे के सारे वर्जिनिका फ्लावर्स हैं।
राइट right? तो आई थिंक थोड़ा सा तुमको ज्योमेट्रिकली भी समझ में आ रहा होगा, अगर हमें एक और कंडीशन डालना होता तो हम शायद इसके बीच में डाल देते या फिर इसके बीच में डाल देते। सो डिसीजन ट्री बेसिकली क्या कर रहा है, तुम्हारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को कट कर रहा है, यू नो, इनटू पीसेस, राइट, बाय ड्राइंग लाइंस। और या फिर तुम अगर 3D का बात करो तो ये लाइन प्लेन बन जाएगा। और यू हैव टू सी, मतलब ये बहुत इजीली दिखाई दे रहा होगा कि ये जो लाइंस हम बना रहे हैं ये हमेशा इन एक्सिस के पैरेलल में ही रहेगा, ठीक है। सो अगेन आई थिंक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड जो हो रहा है। यू हैव टू जस्ट सी दिस एंड अ गुड असाइनमेंट वुड बी कि तुम एक बार मेंटली इमेजिन करो कि ये पूरा काम 3D में कैसे होगा, और फिर उसके लिए उसके हिसाब से एक मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट कर लो अपने दिमाग में इन हायर डायमेंशंस, ठीक है। सो अगर तुमसे कोई पूछे कि एक रफली लॉजिक बताओ कि डिसीजन ट्रीज काम कैसे करते हैं, तो ये 4 स्टेप में तुम इजीली बता सकते हो। सबसे पहले तुम्हारे पास एक डेटा सेट होना चाहिए जिसमें कुछ इनपुट कॉलम्स हो और एक क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन आउटपुट का एक कॉलम हो, एज इन लेबल वाला कॉलम। नेक्स्ट यू डिटरमाइन द बेस्ट फीचर इन द डेटा सेट, मतलब सबसे पहले कौन सा फीचर के ऊपर तुम काम करोगे जिसको तुम रूट नोड बोलोगे। अब ये कैसे निकालना है ये हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे, यही मेन हम लोग को पढ़ना है, बट जस्ट रिमेंबर कि हमें बेस्ट फीचर खोजना होता है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट यू डू इज तुम उस फीचर के बेसिस पे अपने डेटा को स्प्लिट करते जाते हो, ठीक है। एक बार स्प्लिट किया, अब तुमने फिर से पूछा कि अब मेरा नेक्स्ट बेस्ट फीचर कौन सा है, अब तुम उस कॉलम को पकड़ के फिर से डेटा पे स्प्लिट मारते हो, ठीक है। और ऐसा तुम रिकर्सिवली करते जाते हो जब तक कि तुम अपने सारे डेटा को क्लासीफाई ना कर दो, ठीक है। सो दीज आर द 4 स्टेप्स, और ये हम करेंगे जब हम अपना खुद का डिसीजन ट्री बनाएंगे, ठीक है। सो इफ आई आस्क यू कि क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, तो फ्रॉम माई साइड देर आर ओनली 2 कंक्लूजन्स। द फर्स्ट इज इफ यू टॉक प्रोग्रामेटिकली एज अ प्रोग्रामर, डिसीजन ट्रीज आर नथिंग बट अ जायंट स्ट्रक्चर ऑफ नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। ऑब्वियसली मैंने अभी तुमको जो डेटा सेट दिखाए वो सारे टॉय डेटा सेट्स थे, बट तुम जब बड़े डेटा सेट्स के ऊपर काम करोगे यू विल नोटिस कि ये बहुत बड़ा सा इफ एल्स का, नेस्टेड इफ एल्स का एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा जो तुम्हारे डेटा को क्लासिफाई करेगा, ठीक है। सेकेंड, इफ यू टॉक मैथमेटिकली, डिसीजन ट्रीज आर नथिंग बट हाइपर प्लेन्स विच रन पैरेलल टू एनी वन ऑफ द एक्सेस टू कट योर कोऑर्डिनेट सिस्टम इनटू हाइपर क्यूबॉइड्स। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वापस इस डायग्राम पे जाते हैं। सो यू कैन टोटली सी इन अ 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो मेरा डिसीजन बाउंड्री है ये एक लाइन है। नाउ इमेजिन दिस सेम डेटा इन अ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, अपने रूम को इमेजिन करो और इमेजिन करो कि ये पॉइंट्स तुम्हारे रूम में फ्लोट कर रहे हैं, तब ये लाइन क्या बन जाएगा। ऑब्वियसली इन अ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस लाइन विल बी अ प्लेन, राइट, एक एक शीट की तरह होगा जो तुम्हारे पॉइंट्स को काटेगा, राइट और जब वो तुम्हारे पॉइंट्स को काटेगा तो तुम्हारे पॉइंट्स मतलब वो रीजन क्या बनेगा, ऑब्वियसली एक क्यूबॉइड बनेगा, राइट। जैसे तुम्हारा रूम एक क्यूबॉइड है बिकॉज एवरी वॉल इज अ प्लेन, राइट। सिमिलरली जब तुम ऐसे प्लेन से काटोगे तो तुम्हारे पास रिजल्टेंट में बचेगा क्यूबॉइड्स, राइट। अगर तुम और हायर डायमेंशन का बात करो तो वो प्लेन बन जाएगा हाइपर प्लेन, और वो क्यूबॉइड्स बन जाएंगे हाइपर क्यूबॉइड्स, और वही मैंने यहाँ पे लिखा है। सो एक बार फिर से पढ़ते हैं। मैथमेटिकली स्पीकिंग, डिसीजन ट्रीज यूज हाइपर प्लेन्स विच रन पैरेलल टू एनी वन ऑफ द एक्सिस टू कट योर कोऑर्डिनेट सिस्टम इनटू हाइपर क्यूबॉइड्स, और यही इसका ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो नाउ दैट वी हैव कंक्लूडेड, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं बिकॉज फ्यूचर में हम लोग को इसके ऊपर काम करना है। सो ये एक सैम्पल डिसीजन ट्री है तुम्हारे लेफ्ट साइड में। इसमें जो पहला नोड है इसको हम रूट नोड बोलते हैं, और अगर तुमने एल्गोरिदम्स पढ़े होंगे तो वहां भी बाइनरी ट्री वगैरह में ये सेम टर्मिनोलॉजी यूज होता है। जिस पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है, एज इन तुम्हारा डेटा डिवाइड हो रहा है, उसको हम स्प्लिटिंग पॉइंट बोलते हैं। वो नोड्स जो लीफ भी नहीं है और रूट नोड भी नहीं है, बेसिकली बीच में आ रहे हैं, उनको हम डिसीजन नोड्स बोलते हैं। लास्ट में जो नोड आ जाते हैं जिसके बाद अब डिसीजन ट्री खत्म हो जाता है, उसको हम लीफ या लीफ नोड बोलते हैं। और ये जो मैंने सराउंड किया है या आई डोंट नो सर्कल किया है, इस पोर्शन को तुम बोलते हो ब्रांच और सब ट्री ऑफ द ट्री, राइट। और इसी को तुम रिकर्सिवली बार बार बिल्ड करते हो, ठीक है। सो
काफी कुछ समझ लिया, बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में आ रहे होंगे. जैसे कि वन क्वेश्चन कुड बी, हाउ टू डिसाइड विच कॉलम शुड बी कंसिडर्ड एज रूट नोड, राइट? मतलब मेरे पास 10 कॉलम्स हैं, मुझे कैसे पता कि सबसे बेस्ट कॉलम कौन है मेरे डेटा को डिवाइड करने के लिए? इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आंसर, राइट? सेकेंड, हाउ टू सेलेक्ट सबसीक्वेंट डिसीजन नोड्स. चलो मैंने रूट नोड बना भी लिया, अब मेरा डेटा स्प्लिट भी हो गया, अब सेकेंड मैं किस कॉलम को पकड़ूंगा टू बिकम माई डिसीजन नोड, किसके बेसिस पे मैं नेक्स्ट स्प्लिट करूंगा, किसके बेसिस पे मैं उसका नेक्स्ट स्प्लिट करूंगा, ये कैसे डिसाइड होगा? थर्ड क्वेश्चन, इन इन टर्म्स व्हेन यू आर वर्किंग विथ न्यूमेरिकल डेटा, जैसे आयरिस वाले डेटा सेट था, वहां पर तुम्हारा स्प्लिटिंग क्राइटेरिया कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने तो देख के डिसाइड कर लिया कि इट्स पेटल लेंथ लेस देन 2 या सेपल लेंथ लेस देन 1.5, बट इमेजिन इफ यू हैव अ बिग डेटा सेट एंड इट हैज गॉट मल्टीपल रोज, लाइक लैक्स ऑफ रोज एंड देर आर हंड्रेड्स ऑफ कॉलम्स, देन हाउ वुड यू डिसाइड कि वो स्प्लिटिंग क्राइटेरिया क्या है, राइट? सो ऑब्वियसली हमें ये सारे क्वेश्चन को आंसर करना है ऑब्वियसली आगे की वीडियोज में, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डिसीजन ट्री की वर्किंग को लेकर के. सो एक बार थोड़ा सोचो उसके बारे में. कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं अराउंड डिसीजन ट्रीज. लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस फर्स्ट. सो द फर्स्ट एडवांटेज इज डिसीजन ट्रीज को बहुत इज्जत मिलता है मशीन लर्निंग सर्किट में फॉर बीइंग सो इंट्यूटिव एंड इजी टू अंडरस्टैंड. लाइक मतलब सामने सामने समझ में आ रहा है कि हर स्टेप में डेटा डिवाइड कैसे हो रहा है, स्प्लिट कैसे हो रहा है, राइट? सो दैट इज ग्रेट. सेकेंड, यू रिक्वायर मिनिमम डेटा प्रिपरेशन, राइट? मतलब तुमको यहाँ पे नॉर्मलाइज करने का जरूरत नहीं है, स्टैंडर्डाइज करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तुम मैथ से ज्यादा प्रोग्रामेटिकली चीजों को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? सो डेटा प्रिपरेशन थोड़ा बचता है यहाँ पे. थर्ड, लॉगरिथमिक है, मतलब इसका कॉम्प्लेक्सिटी इज लॉगरिथमिक, यू कैन टोटली सी, मतलब तुम एक बार में एक ही ब्रांच में घुस रहे हो तो बाकी सारा का सारा इग्नोर कर रहे हो. ट्री बेस्ड एल्गोरिथम है, सो स्पीड ज्यादा है, सो कल को तुम्हारा नंबर ऑफ डेटा बहुत ज्यादा भी है तो यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट द कैलकुलेशन स्पीड या टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस. द फर्स्ट वन इज ओवरफिटिंग. जब तुम डिसीजन ट्रीज पढ़ोगे यू विल रियलाइज ओवरफिटिंग बहुत होता है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ ट्रेनिंग दैट वी आर डूइंग विद डिसीजन ट्रीज. अगेन ये आगे हम लोग समझेंगे, बट इस पॉइंट पे जस्ट रिमेंबर दिस कि इफ यू आर वर्किंग विथ डिसीजन ट्रीज देर इज अ ग्रेट चांस कि ओवरफिटिंग हो सकता है, ठीक है? सेकेंड, इट इज प्रोन टू एरर्स फॉर इम्बैलेंस डेटा सेट्स. सो अगर तुम दो क्लास क्लासिफिकेशन का बात कर रहे हो, येस और नो, और लेट्स से 100 में से 99, 95 येस है और सिर्फ 5 नो है, तो इस तरह का इम्बैलेंस डेटा सेट के ऊपर तुम्हारा सही से परफॉर्म नहीं करेगा डिसीजन ट्रीज. अगेन इन सब का रीजन हम पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है? वन लास्ट नोट, सॉर्ट ऑफ डिसीजन ट्री इज एन एल्गोरिदम जो मोस्टली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता है, बट इन सर्टेन केसेस हम रिग्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट? सो द लॉजिक ऑफ डिसीजन ट्रीज कैन ऑल्सो भी अप्लाइड टू रिग्रेशन प्रॉब्लम्स. इसीलिए कई कई जगह पे तुम नोटिस करोगे इसको कार्ट भी बोला जाता है, विच स्टैंड्स फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्रीज, ठीक है? सो इतना सोचना नहीं है, एक साइड नोट है, बस याद रखना. एंड फाइनली दैट वॉज इट, दिस वॉज द इंट्रोडक्शन पार्ट. सो डिसीजन ट्रीज बहुत जगह यूज होते हैं. आई विल शो यू अ वेरी कूल एग्जाम्पल विच इज नोन एज अकीनेटर. आई डोंट नो आपने कभी ये गेम खेला है कि नहीं, बट दिस इज द गेम. सो इन दिस गेम वॉट यू डू इज यू थिंक ऑफ अ कैरेक्टर इन योर माइंड, राइट? एंड देन दिस कैरेक्टर, लाइक दिस गाय ऑन योर स्क्रीन विल आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कैरेक्टर. तुमको आंसर करना है एंड इवेंचुअली वो बता देगा कि तुम कौन सा कैरेक्टर सोच के आंसर कर रहे हो, ठीक है? सो लेट्स प्ले दिस गेम, लाइक इट्स फन. सो वॉट आई विल डू इज आई विल इमेजिन अ कैरेक्टर. लेट्स से आई लेट्स लेट्स थिंक ऑफ आयुष्मान खुराना, ठीक है? सो मैंने प्ले पे क्लिक किया. सो ये मेरे को बोल रहा है कि सेलेक्ट द नेक्स्ट गेम थीमेटिक. सो कैरेक्टर, ऑब्जेक्ट, एनिमल. सो इन माई केस इट्स अ कैरेक्टर. सो यू नोटिस कि ये बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेगा पहले, और इसके पास जितने भी लोगों का डेटा होगा, लाइक इसके पास आयुष्मान खुराना का भी डेटा होगा, इसके पास बराक ओबामा का भी डेटा होगा, और ये क्या करेगा, हर क्वेश्चन के बाद अपने डेटा को डिवाइड करने लग जाएगा. जैसे कि इज योर कैरेक्टर एशियन, सो आयुष्मान खुराना
मैं यस बोलूंगा तो ऑटोमेटिकली बराक ओबामा या डोनाल्ड ट्रंप या आई डोंट नो स्टीव स्मिथ, ये सब हट जाएंगे, सिर्फ वही डेटा बचेगा जो एशियन है, ठीक है। एंड धीरे धीरे ये और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता जाएगा। अब एशियन में ये मेरे से पूछ रहा है इज योर कैरेक्टर अ फीमेल, मैंने बोला नो, तो अब मेरे पास सिर्फ वही लोग हैं जो लोग एशिया में हैं और मेल हैं या फिर अदर्स जेंडर है। इज योर कैरेक्टर अ मेंबर ऑफ बीटीएस, आई डोंट नो व्हाट बीटीएस इज, सो आई विल क्लिक ऑन डोंट नो। इज योर कैरेक्टर इंडियन, सो आई विल से यस। सो इस पॉइंट पे ये बंदा एज इन ये एल्गोरिदम सिर्फ इंडियन मेल्स के ऊपर फोकस कर रहा है, ठीक है। नाउ ही इज आस्किंग इज योर कैरेक्टर मोर देन 40 ईयर्स ओल्ड, आई विल से नो। सो अब अगेन उसने और नीचे आया वो मेरे डेटा में, अब वो सिर्फ 40 से कम एज वाले इंडियन मैन को टारगेट कर रहा है, ठीक है। इज योर कैरेक्टर अफ्रेड ऑफ क्लाउंस, डोंट नो। इज योर कैरेक्टर लिंक टू द साउथ, नो, ही इज अ पंजाबी आई गेस। डज योर कैरेक्टर प्ले इन मूवीज, सो आई विल से यस। डज योर कैरेक्टर क्रिएट म्यूजिक, जितना मेरे को पता है उसने कुछ गाने गाए हैं, सो यस। वॉज योर कैरेक्टर बॉर्न इन ओहायो, आई डोंट नो, ओके एम्बेरसिंग बट जितना मेरे को याद है यस। डज योर कैरेक्टर वर्क इन सिनेमा, यस। एंड यू कैन सी दिस इज द आंसर। नाउ दिस इज टोटली डिसीजन ट्री बिहाइंड द सीन्स, एंड यू विल सी कि मतलब ये ऑलमोस्ट कुछ भी आंसर तुमको निकाल के दे देता है, राइट। इट्स अ फन गेम, एक बार ट्राई करना, बट इसके पीछे का वर्किंग इज टोटली बिकॉज ऑफ डिसीजन ट्रीज, ठीक है। सो नाउ दैट वी हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिसीजन ट्रीज, नाउ लेट्स लर्न हाउ एग्जैक्टली डिसीजन ट्रीज वर्क। एंड इन ऑर्डर टू लर्न हाउ डिसीजन ट्रीज वर्क, वी हैव टू लर्न टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। द फर्स्ट वन इज एंट्रोपी एंड द सेकेंड वन इज इंफॉर्मेशन गेन। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एंट्रोपी एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल डील विथ इंफॉर्मेशन गेन। सो लेट्स स्टार्ट। सो यू माइट आस्क वॉट इज एंट्रोपी। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। इन द मोस्ट लेमन टर्म्स एंट्रोपी इज नथिंग बट द मेजर ऑफ डिसऑर्डर, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट द मेजर ऑफ प्योरिटी और इम्प्योरिटी। सो यू माइट हैव रेड अबाउट एंट्रोपी इन योर फिजिक्स क्लास बिकॉज इट्स मोस्टली रिलेटेड टू फिजिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, राइट। और कंप्यूटर्स में भी, एज इन कंप्यूटर साइंस में भी एंट्रोपी यूज होता है इन इंफॉर्मेशन थ्योरी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो नाउ वट वील डू इज विल फर्स्ट अंडरस्टैंड वॉट एंट्रोपी इज विथ एन एग्जाम्पल, एंड सिंस इट्स अ टॉपिक विच इज वेरी क्लोज टू फिजिक्स, लेट्स टेक अ फिजिक्स बेस्ड एग्जाम्पल। सो एज यू नो वाटर हैज थ्री स्टेट्स, आइस एज इन सॉलिड, वाटर एज इन लिक्विड एंड वेपर्स, राइट। सो माई क्वेश्चन इज, जितना भी अभी तक पढ़ा है रिलेटेड टू एंट्रोपी, थोड़ा सोच के बताओ कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा एंट्रोपी किस स्टेट का होगा, राइट। सो एज यू नो आइस इज सॉलिड, सो मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए बहुत कम स्पेस रहता है, दे आर टाइटली पैक्ड। इन लिक्विड एज इन वॉटर मॉलिक्यूल्स थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, एंड इन केस ऑफ वेपर द मॉलिक्यूल्स कैन मूव एनीवेयर, राइट। सो अभी तक जितना भी पढ़ा, अकॉर्डिंग टू दैट सबसे ज्यादा ऑर्डर आइस में है एज इन सॉलिड में है, और सबसे कम ऑर्डर वेपर में है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इन तीनों में सबसे ज्यादा एंट्रोपी शुड बी इन वेपर, राइट। सो नाउ गोइंग बाय दिस अंडरस्टैंडिंग, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, एंड ये एग्जाम्पल डेटा साइंस के डोमेन का है। सो वट आई हैव डन इज, मैंने दो डेटा सेट्स लिए और दोनों का जो लेबल था एज इन वाई था, उसको मैंने एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम पे प्लॉट कर दिया, और मैंने उनको लेबल्स के अकॉर्डिंग कलर कर दिया। सो नो इज रेड, यस इज ग्रीन। नाउ अगेन बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंट्रोपी जो तुमने पिछले स्लाइड में देखा, यू हैव टू टेल मी कि इन दोनों में एज इन डेटा सेट वन और डेटा सेट टू, इन दोनों में ज्यादा एंट्रोपी किसका है, राइट। नाउ अगेन द अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी सिंपल। डिसऑर्डर को तुम बोल सकते हो या रिलेट कर सकते हो अनसर्टेनिटी से,
राइट, और अनसर्टेनिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नॉलेज. सो बेसिकली यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन कि मैं किस में, एज इन किस डेटा सेट में ज्यादा कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट कर सकता हूं, राइट. सो द बेसिक फंडा इज मोर नॉलेज लेस एंट्रोपी. जितना ज्यादा तुमको एक सिस्टम के बारे में नॉलेज है, जितना तुम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, उतना ही उस सिस्टम का एंट्रोपी कम होगा. सो गोइंग बाय दैट लॉजिक, डेटा सेट वन हैज हायर एंट्रोपी बिकॉज यहां पे प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, राइट. सो आई गेस थोड़ा समझ में आ रहा है और थोड़े से डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हो. नाउ यू माइट आस्क कि ठीक है, हमने एक काइंड ऑफ आंसर दे दिया कि किसमें ज्यादा है, बट वॉट इफ आई वॉन्ट टू क्वांटिफाई, मतलब मुझे एग्जैक्टली पता करना है कि एंट्रोपी कितना है, राइट. तो इन दैट केस द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी इज दिस, सिग्मा ऑफ पी आई लॉग पी आई, राइट, वेयर पी आई इज सिंपली द फ्रीक्वेंटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट आई इन आर डेटा. अगर ये डेफिनेशन या ये फॉर्मूला डिफिकल्ट लग रहा है, लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल. सो लेट्स से हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमारे पास हमारा वाई कॉलम है, आउटपुट कॉलम, और उसमें क्लास लेबल्स हैं, और सिर्फ दो ही क्लास लेबल्स हैं, यस और नो. तो गोइंग बाय दिस फॉर्मूला द आउटपुट फॉर एंट्रोपी वुड बी दिस. सो व्हाट यू विल डू इज, लेट्स से हमारे पास टोटल मिला के 10 पॉइंट्स हैं, उसमें से यस वाले 5 पॉइंट्स हैं, नो वाले 5 पॉइंट्स हैं. तो व्हाट यू विल डू इज यू विल फर्स्ट फाइंड आउट पी यस. सो पी यस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding yes in the entire data set. So that would be half, 5 divided by 10, right? And then you find out the logarithm of P yes, and then we'll subtract it with P no and logarithm of P no. So agar kal ko mere paas ek aur cheez hota, maybe, in that case main ek aur term add kar deta last mein, theek hai? Abhi hum iske baare mein bhi aur discussion karenge, so don't worry about that. But this is the formula for entropy, and that is how decision trees calculate entropy. ओके, नाउ लेट्स से हमारे पास दो डेटा सेट्स हैं और ये टॉय डेटा सेट्स हैं, मैंने ही क्रिएट किए. सो यहां पे हमारे पास दो कॉलम्स हैं, सैलरी और एज, और हमारे पास हमारा आउटपुट कॉलम है परचेस. नाउ व्हाट विल डू इज, मतलब ये देख के तुम लोग इजीली बता सकते हो, राइट, कि डेटा सेट वन में एंट्रोपी ज्यादा है, डेटा सेट टू में एंट्रोपी कम है, राइट. ये तुम लोग देख के बता सकते हो, बट सिंस हमने फॉर्मूला देख लिया है, अब व्हाट विल डू इज विल कैलकुलेट एंट्रोपी फॉर बोथ ऑफ दीज डेटा सेट्स. ओके, सो यू कैन सी ऑन स्क्रीन ऑन द लेफ्ट साइड आई हैव कैलकुलेटेड द एंट्रोपी फॉर डेटा सेट वन. सो यू कैन सी मैंने फर्स्ट आई हैव फाउंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, एंड देन आई हैव मल्टीप्लाइड इट विद द लॉगरिथम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड देन आई हैव सब्ट्रैक्टेड इट विथ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नो. ठीक है, सो 2 बाय 5 लॉग 2 बाय 5 माइनस 3 बाय 5 लॉग 3 बाय 5 एंड द आंसर इज 0.97. सो इस डेटा सेट के लिए एंट्रोपी इज 0.97. लेट्स फाइंड आउट द एंट्रोपी फॉर द सेकेंड डेटा सेट, एंड ओवर हियर यू कैन सी कि हमारे पास एक यस वाला पॉइंट है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग यस इज 1 बाय 5 एंड देर आर 4 नो पॉइंट, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नो इज 4 बाय 5. सो मैंने सिंपली ये फॉर्मूला लगाया और मेरा एंट्रोपी का आंसर आ रहा है 0.72. सो यू कैन सी कि हमने क्वांटिटेटिवली भी मेजर कर लिया कि डेटा सेट वन में डेटा सेट टू के कंपैरिजन में ज्यादा एंट्रोपी है. ठीक है, इनफैक्ट लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल, एंड यहां पे यू कैन सी सारी की सारी क्लासेस नो है, विच मींस यस है ही नहीं, राइट. सो यहां पे हम बहुत श्योर है कि हम कभी भी अगर कोई रैंडम पॉइंट निकालेंगे यहां से, वो नो ही होगा, राइट. सो यहां पे इफ यू कैलकुलेट द एंट्रोपी, इट्स 0 बाय 5 लॉग 0 बाय 5 एंड 5 बाय 5 लॉग 5 by 5, right? And the answer is 0. So the entropy for this data set, जहां पे सिर्फ एक ही तरह के points हैं, is 0, right? Now, अभी तक हमने क्या किया है? हमने हर बार two class classification के लिए ही entropy calculate किया. But what if हमारे पास दो से ज्यादा classes हैं? So I'll show you an example, जहां पे हमारे पास तीन classes हैं. Yes, no, maybe. In that case, again, इट्स वेरी सिंपल, हम अपने फॉर्मूला को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, विल एड द थर्ड टर्म विच इज फॉर मे बी, एंड दिस इज द कैलकुलेशन. सो 2 बाय 8 लॉग 2 बाय 8, 3 बाय 8 लॉग 3 बाय 8 एंड 3 बाय 8 लॉग 3 बाय 8 एंड द आंसर इज 1.56. ओके, सो अगेन ये कैलकुलेशन अगर तुम करके देख लोगे तो इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, लाइक इट्स वेरी इजी. नाउ हेयर आर सम ऑब्जर्वेशन जो तुमने अभी तक देखा उसके बेसिस पे. द फर्स्ट वन इज मोर द अनसर्टेनिटी मोर इज एंट्रोपी.
या तुम ऐसे बोल सकते हो जितना ज्यादा नॉलेज है एक सिस्टम के बारे में उतना ही कम एंट्रोपी है एंड वाइस वर्सा. ठीक है, द सेकंड वन इज फॉर अ टू क्लास प्रॉब्लम द मिनिमम एंट्रोपी इज जीरो एंड द मैक्सिमम इज वन. सो ये याद रखना अगर तुम टू क्लास क्लासिफिकेशन का बात कर रहे हो, यस और नो, इन दैट केस तुम्हारा मिनिमम एंट्रोपी जीरो होता है और वो तब होता है जब तुम्हारे सारे के सारे पॉइंट्स एक ही क्लास के हो, जैसे नो था, राइट, और द मैक्सिमम एंट्रोपी दैट विल गेट इज वन, और वो तभी होगा जब दोनों में बराबर पॉइंट्स हो, एज इन यस भी फाइव है, नो भी फाइव है, इन दैट केस तुम्हारा एंट्रोपी विल बी वन. अगेन तुम ये चेक कर सकते हो, यू कैन यूज योर कॉपी एंड पेन एंड यू कैन राइट द फॉर्मूला एंड यू कैन सी, यू विल फाइंड आउट कि जब भी मेरे लेबल्स बराबर हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, मेरा एंट्रोपी इज वन, राइट. बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर मोर देन टू क्लासेस. यहां पर मिनिमम एंट्रोपी इज जीरो बट द मैक्सिमम कैन बी ग्रेटर देन वन, जो तुमने पिछली साइड में नोटिस भी किया होगा, वहां पे हमारा एंट्रोपी आ रहा था 1.56, राइट. सो ये प्लीज याद रखना. द नेक्स्ट पॉइंट इज यू कैन यूज बोथ लॉग बेस टू एंड लॉग बेस ई टू कैलकुलेट एंट्रोपी. इट डज नॉट मैटर बिकॉज एट द एंड सी इट डज नॉट मैटर तुम्हारा एग्जैक्ट नंबर क्या आ रहा है. वॉट वी वॉन्ट टू शो इज या वॉट वी वॉन्ट टू लर्न इज कि एंट्रोपी जब कम है तो नंबर छोटा होना चाहिए और एंट्रोपी जब ज्यादा है तो नंबर बड़ा होना चाहिए, और ये पर्पस दोनों बेस टू और बेस ई से सॉल्व हो जाता है. सो इट डज नॉट मैटर. तो यू विल सी कि इन सर्टेन प्लेसेस इन सर्टेन कोड्स पीपल आर यूजिंग बेस ई बट वी आर गोइंग टू यूज बेस टू. ठीक है, एंड दिस इज वन वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ दैट आई वॉन्टेड टू शो यू. दिस ग्राफ इज बिटवीन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी. सो यहां पे एक्स एक्सिस पे मैंने यस फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी को प्लॉट किया है एंड यू कैन सी कभी भी प्रोबेबिलिटी जीरो से वन के बीच में होता है, राइट. सो यहां पे तुम नोटिस करो कि जब जीरो है और तब यू विल नोटिस कि एंट्रोपी इज ऑल्सो जीरो. मतलब अगर सिस्टम में सारे के सारे वेरिएबल्स या सारे के सारा डेटा नो है, बिकॉज ये पॉजिटिव वाला अगर प्रोबेबिलिटी जीरो है मतलब बाकी सारे पॉइंट्स नो है. सो अगर सारे के सारे पॉइंट्स नो है तो एंट्रोपी इज जीरो बिकॉज अभी सिस्टम में बहुत नॉलेज है. यू कैन इजिली से कि एवरी पॉइंट इज नो. और जब पी यस का प्रोबेबिलिटी वन है, इट मींस सारे के सारे पॉइंट्स पी यस है, इट मींस नो जीरो है. इन दैट केस ऑल्सो तुम्हारा एंट्रोपी इज जीरो बिकॉज तुम्हारे पास इनफ नॉलेज है टू प्रिडिक्ट द पॉइंट. बट यू कैन सी इन बिटवीन राइट एट पॉइंट फाइव, जहां पे पी यस का प्रोबेबिलिटी भी हाफ है और पी वाई का प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, वहां पे यू विल सी कि तुम्हारा एंट्रोपी का वैल्यू इज वन विच इज द मैक्सिमम. और बीच में कहीं भी लेट्स से 0.8 और 0.2, अगेन ये ग्राफ सिमेट्रिकल होगा बिकॉज इट्स अ टू क्लास प्रॉब्लम. सो अगर टू क्लास प्रॉब्लम में तुम पी वन इज 0.2 तो ऑब्वियसली पी टू विल बी 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8. सो दैट्स वाई दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल. ठीक है, सो ये वाला कर्व थोड़ा याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. सो यू माइट हैव नोटिस्ड कि अभी तक हमने सिर्फ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स का ही बात किया, यस और नो और मे बी, राइट. बट वॉट इफ मेरे पास इस तरह का डेटा सेट है एंड वॉट इफ कोई मुझसे पूछ ले कि विच ऑफ द अबव डेटा सेट्स हैव हायर एंट्रोपी. सो अगर येस नो होता तो मैं इजिली कैलकुलेट कर लेता, राइट. बट वॉट इफ यहां पे न्यूमेरिकल डेटा हो, कंटिन्यूअस डेटा हो, तो मैं ये कैसे कैलकुलेट करूंगा, राइट. सो अब इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्यूचर में, एक पूरे वीडियो में हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस ओनली. बट फॉर नाउ आई टेल यू अ शॉर्टकट, ओके, जिसको यूज करके तुम बहुत इजिली बता सकते हो कि किसमें एंट्रोपी ज्यादा है. ठीक है, सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन लेट मी फर्स्ट गिव यू अ हिंट. सो लेट्स से मैंने मेरे प्राइस वाले कॉलम्स को निकाला दोनों डेटा सेट में से और उसको मैंने प्लॉट कर दिया, उसका मैंने हिस्टोग्राम प्लॉट कर दिया, या मैंने उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन केडीई प्लॉट कर दिया. ठीक है, सो यू नो अबाउट केडीई, मैंने केडीई प्लॉट कर दिया. सो नाउ लेट्स से ये जो लाइटर टोन है एज इन दिस लाइट ब्लू शेड, ये डेटा सेट वन का आया, लाइक इस प्राइस का ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, और सेकेंड वाले प्राइस का ये डार्क ब्लू वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट. नाउ पॉज द वीडियो फॉर अ सेकेंड और खुद से क्वेश्चन पूछो कि क्या ये कर्व मेरे को कुछ बता रहा है एंट्रोपी के बारे में.
राइट. सो द थिंग इज दिस, बहुत सिंपल है. यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चन, एंड द राइट क्वेश्चन हियर इज कि मुझे किस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज है, मतलब मुझे किस डेटा सेट के बारे में ज्यादा नॉलेज है. बिकॉज जिस भी डेटा सेट के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज होगा वहां पे एंट्रोपी कम होगा. ये हमने डिस्कस किया था, दैट वॉज द फैक्ट, राइट. सो यू कैन सी इफ यू टॉक अबाउट डेटा सेट वन, यहां पे ज्यादातर पॉइंट्स माइनस वन से वन की रेंज में एग्जिस्ट करते हैं, वेयर एज फॉर डेटा सेट टू सारे पॉइंट्स माइनस थ्री टू थ्री के रेंज में एग्जिस्ट करते हैं. नाउ खुद से क्वेश्चन पूछ के देखो, मुझे ज्यादा नॉलेज किस सिस्टम के बारे में, मतलब इफ आई फाइंड आउट अ पॉइंट, मेरे को ज्यादा मतलब एज इन कम एरिया में ज्यादा पॉइंट्स कहां से मिल रहे हैं, डेटा सेट वन से, राइट. सो द आंसर इज डेटा सेट वन हैज लेस एंट्रोपी इन कंपैरिजन टू डेटा सेट टू. सो कभी भी तुमको अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स मिले, द आंसर विल बी दिस, जिस भी डेटा सेट का केडी प्लॉट करने पे कम पीकेडनेस आ रहा है, इट मीन्स कि जिसमें भी कम पीकेडनेस है उसका एंट्रोपी ज्यादा होगा. सो इन दिस केस डार्क ब्लू वाले का पीकेडनेस इज लेस इन कंपैरिजन टू लाइट ब्लू वाला, सो द एंट्रोपी इज हायर इन डार्क ब्लू एज इन डेटा सेट टू. ओके, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन गेन. सो लेट्स स्टार्ट. So according to the definition, information gain is a metric used to train decision trees. Specifically, this metric measures the quality of a split based on a column. The information gain is based on the decrease in entropy after a data set is split on an attribute or column. Constructing a decision tree is all about finding that attribute which returns the highest information gain. So I guess this is pretty much self-explanatory. What I'll do is, I'll use an example to explain this definition. Okay, so let's start. By the way, this is the formula for information gain. So for a particular column, if you want to calculate information gain, what you do is, you find out the entropy of the parent, which is the complete data set before split. And then you perform the split and you calculate the weighted average of the entropy of all the children. Okay. So let me demonstrate this with an example. So again, we are taking that play tennis example, and you can see this is the data set. We have got 5 columns and 14 rows. So in step 1, what you will do is you'll calculate the entropy of the parent, which is before any sort of splitting. And the formula for entropy is on your screen. And you can easily see that after calculating the entropy for yes and no, we are getting 0.94 as our entropy. Okay. Now, what you will do is, let's say on the basis of outlook column, we'll divide this entire data. So we'll perform group by, and what that will do is it will divide this entire data into 3 parts. So one data set will contain only rows, which is outlook value of Sunny. And the second data set will have outlook values of only overcast, and third will be for rainy. Okay, so the data set will look like this. In this step, which is step 2, we'll calculate the entropy of all these child data sets. Okay, and you can see over here in the first data set, the values for outlook column is sunny for all the rows. Same here, we have got overcast, and over here we have got rain. Okay, now what we will do is we'll calculate entropy for all of these data sets. So for the first one, you can easily see that there are three no values and 2 yes values. So the value for entropy for this data set is 0.97. For the second one, you can easily see that the play column has all the values as yes, hence the entropy would be 0. And similarly, calculating it for the rain column, we are getting a value of 0.97. Let's move on to step 3, where we will calculate the weighted entropy of children. So the formula is very simple. What you do is you multiply each of the entropies with the weighted average. So for the first data set, as you can see, we have got 5 rows, and initially the data set had 14 rows. So the weighted average would be 5 by 14 multiplied by the entropy of the data set. The second data set had an entropy of 0. And you will multiply it
by 4 by 14 because the second data set had 4 rows, and same for the rainy one. And you can see the weighted entropy of children is 0.69. And now, by the way, you can see that P overcast is a leaf node as its entropy is 0. Okay, so whenever you get an entropy of 0, you do no more splitting on that data. So it is considered to be a leaf node. In step 4, we calculate the information gain. We already know the formula. Information gain is equal to entropy of parent minus weighted average of entropy of children. And we have calculated both of them. So the value would be 0.97 minus 0.69. Hence, you can conclude that the information gain or the decrease in entropy when you split this data on the basis of outlook column is 0.28. Okay. Now, moving on to step 5. We'll calculate information gain for all the columns. And whichever column has the highest information gain, the algorithm will select that column to split the data. And finally, the last step, the algorithm will find information gain recursively. So decision trees implement a recursive greedy search algorithm in top-bottom fashion to find information gain at every level of the tree. Okay, once a leaf node is reached, that is the entropy is 0, no more splitting is done on that particular data set. Okay, so I hope you are clear with the concept of information gain. It is pretty much straightforward. I would suggest to take a data set and try this manually. Okay, and in this video we're going to discuss an important topic called Gini impurity. ठीक है, अभी तक हमने इस प्लेलिस्ट में एंट्रोपी पढ़ा, फिर एंट्रोपी को पढ़ के हमने इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना सीखा. और इंफॉर्मेशन गेन क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमें पता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन गेन को यूज करके ही आपके डिसीजन ट्री एल्गोरिदम को पता चलता है कि कौन से कॉलम के ऊपर स्प्लिट मारना है, राइट. तो द क्वेश्चन इज, जीनी इंप्यूरिटी क्यों पढ़ रहे हैं? अगर हमने पूरा फ्लो स्टैब्लिश कर लिया तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर जीनी इंप्यूरिटी? सो अपेरेंटली रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आप scikit-learn के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाते हो, जहां पे डिसीजन ट्री क्लासिफायर का डॉक्यूमेंटेशन है, वहां पे यू कैन सी देयर इज अ हाइपर पैरामीटर कॉल्ड क्राइटेरिया, एंड उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, जीनी एंड एंट्रोपी. अब एंट्रोपी तो वही है जो हमने पढ़ा है, जीनी हमें अभी तक नहीं पता कि क्या होता है. एंड गेस व्हाट, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू जो है scikit-learn में वो जीनी है. ठीक है, तो दैट इज वाई वी आर गोइंग टू फोकस ऑन जीनी इंप्यूरिटी. नाउ यू माइट आस्क, जीनी इंप्यूरिटी क्या होता है? सो आई वुड जस्ट क्लैरिफाई दिस, जस्ट लाइक एंट्रोपी, जीनी इंप्यूरिटी भी एक मेजर है ये पता करने का कि कभी भी स्प्लिट पढ़ने पे कितने प्योर नोट्स हैं, कितने इम्प्योर नोट्स हैं. ठीक है, बेसिकली आपका जो स्प्लिट हुआ उसका प्योरिटी मेजर करने का एक तरीका है, जस्ट लाइक एंट्रोपी. ठीक है, बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है फॉर्मूला में. ठीक है, सो इफ यू रिमेंबर, हमारा एंट्रोपी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है फॉर अ टू क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. फॉर अ टू क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम द फॉर्मूला इज माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लॉग बेस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो लॉग बेस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नो. ठीक है, ये हमारा एंट्रोपी होता है, राइट. अब अगर आप जीनी इंप्यूरिटी कैलकुलेट करने जाओ तो जीनी इंप्यूरिटी को आप फर्स्ट ऑफ ऑल जी आई से डिनोट करते हो, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो का स्क्वायर. दैट्स इट, बस इतना ही फॉर्मूला है गाइस, एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस. इसका भी काम यही है कि ये बताए कि किसी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर जब आप स्प्लिट मारते हो तो जो चाइल्ड डेटा सेट्स बनते हैं उनका स्टेबिलिटी कैसा है, उनमें इम्प्योरिटी कितना है, यही इसका काम भी बताना. ठीक है, अब व्हाट आई विल डू इज आई विल एक्चुअली प्रूव दिस कि ये बिल्कुल एंट्रोपी की तरह ही काम करता है बाय टेकिंग द सेम एग्जांपल दैट वी टुक इन द एंट्रोपी वाला डिस्कशन. सो ये मेरे पास दो डेटा सेट्स हैं और मुझे इन दोनों का जीनी इंप्यूरिटी कैलकुलेट करना है. अब देख करके भी समझ में आ रहा है कि इन दोनों में ज्यादा प्योर जो है वो ये है, सेकेंड वाला, राइट. तो इसका जीनी इंप्यूरिटी शुड बी लेस देन
फर्स्ट वाले का जीनी इंप्योरिटी एंड वी कैन इजिली प्रूव दिस. सी, आपको बस जीनी इंप्योरिटी का फॉर्मूला लगाना है. दिस विल बी वन माइनस पी वाई का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर. पी वाई यहां पर 2/5 है तो मैंने उसका स्क्वायर करके 4/25 कर दिया, और पी नो 3/5 है उसका स्क्वायर करके मैंने 9/25 कर दिया, और उसको 1 से मैंने जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया, द जीनी इंप्योरिटी फॉर फर्स्ट डेटा सेट इज 0.48. ठीक है, और सेकेंड वाले केस में भी जब मैंने सेम कैलकुलेशन किया, द आउटपुट इज 0.32, एंड यू कैन सी 0.32 इज लेस देन 0.48, तो वी कैन से कि ये वाला हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन दे रहा है. ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही है. ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द की डिफरेंस. तो फॉर्मूला अलग है, ये तो क्लियरली दिख रहा है, बिहेवियर सेम है. अभी भी हम दो अलग अलग स्प्लिट्स के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा स्प्लिट बेटर होगा. बेसिकली जो काम हम इंफॉर्मेशन गेन के लिए करते थे वो सेम काम हम इंफॉर्मेशन गेन के लिए जो एंट्रोपी के थ्रू करते थे वही सेम काम हम जीनी के थ्रू भी कर सकते हैं. उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा. इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करने के लिए अब आप पेरेंट का जीनी निकालोगे और उसमें माइनस कर दोगे वेटेड जीनी ऑफ चाइल्ड, जैसे आप नॉर्मली करते थे. ठीक है, डिफरेंस कहां पे आ जाता है? डिफरेंस बस ये है कि लेट्स से आई विल टेक टू सिनेरियोस. जैसे कि एक सिनेरियो है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज 1 और हम बाइनरी क्लासिफिकेशन का बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ नो वुड बी 0. अब इस केस में अगर आप एंट्रोपी कैलकुलेट करने जाओ तो एंट्रोपी विल बी इक्वल टू दिस इज 1 एंड बेसिकली दिस इज 1 एंड दिस इज लॉग ऑफ 1 और बेसिकली ये 0 आ जाएगा. एंट्रोपी 0 आ जाएगा क्योंकि आपका एकदम प्योर स्प्लिट हो रहा है. ठीक है, इस केस में अगर आप जिनी कैलकुलेट करने जाओ तो जिनी भी 1 माइनस 1 प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, जिनी भी 0 हो जाएगा. सो अगर आपके पास इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पर एक क्लास 100% है दूसरा क्लास 0% है, तो एंट्रोपी भी 0 आता है, जिनी भी 0 आता है. बट अगर आप एक दूसरा केस ले लो जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इज ऑल्सो 0.5, इस केस में आपको पता है कि एंट्रोपी कैलकुलेट करने पे यू वुड गेट 1 जो कि मैक्सिमम वैल्यू है. ठीक है, बट अगर आप जीनी कैलकुलेट करने जाओ तो इट वुड बी 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर विच विल बी 0.25 प्लस 0.25, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 0.5. सो इफ यू रिमेंबर दैट ग्राफ जो हमने एंट्रोपी में देखा था, बेसिकली ये ग्राफ कि अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव निकाल रहे हो एक्स एक्सिस पे जो 0 से लेके 1 तक वेरी कर रहा है, तो एंट्रोपी का रिलेशनशिप कुछ ऐसा आता है, जब पॉजिटिव पॉइंट्स 0 हैं तो एंट्रोपी भी 0 है, जब पॉजिटिव पॉइंट्स का प्रोबेबिलिटी 1 है तो एंट्रोपी फिर से 0 है, और जब एकदम बराबर है येस और नो वाले पॉइंट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले पॉइंट्स, तो एंट्रोपी मैक्सिमम है, दैट इज 1.0. बेसिकली ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है, ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है, राइट, एंड दिस वैल्यू इज 1. बट जिनी के केस में क्या होता है, ये ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही है बस थोड़ा नीचे से जाता है, और ये वैल्यू जो होती है वो 0.5 होती है. सो मैक्सिमम दैट यू कैन गेट इज 0.5 जीनी के केस में. ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, फिर जीनी क्यों है, एंट्रोपी से काम क्यों नहीं चला रहे? जीनी इसलिए है, मतलब जीनी का बेनिफिट ये है कि कंप्यूटेशनली थोड़ा फास्ट है. सिंस यहां पे आपको सिर्फ स्क्वायर्स कैलकुलेट करने हैं, यहां पे आपको लॉग्स कैलकुलेट करने हैं, तो लॉग्स कैलकुलेट करना थोड़ा सा कंप्यूटेशनली डिफिकल्ट होता है इन कंपैरिजन टू स्क्वायर्स कैलकुलेट करने के. सो इफ यू आर वर्किंग ऑन बिग डेटा सेट्स, लार्ज डेटा सेट्स, सिंस दोनों का रिजल्ट तो एनीवे सेम ही आना है, यू प्रेफर जीनी इंप्यूरिटी ओवर एंट्रोपी. ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है कि एंट्रोपी नहीं, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन ना कि अगर यही फास्ट है और रिजल्ट दोनों का सेम ही आता है तो हमेशा जीनी इंप्यूरिटी यूज करो, वाई वुड यू यूज एंट्रोपी देन? अगर जीनी एंट्रोपी फास्ट है और सेम रिजल्ट देता है तो एंट्रोपी यूज नहीं करना चाहिए. एक्चुअली एंट्रोपी भी काम आता है, कभी कभी कुछ स्पेसिफिक डेटा सेट्स में आपका जो एंट्रोपी है वो आपको ज्यादा बैलेंस्ड ट्री देता है, मतलब वो जो स्प्लिट्स मारता है वो ज्यादा बैलेंस्ड होता है इन कंपैरिजन टू जीनी.
तो दैट इज वाई वॉट यू शुड डू इज यू शुड ऑलवेज डू हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग दोनों वैल्यूज के साथ, जीनी के साथ भी एंट्रोपी के साथ भी. आपको आपका एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली रन करके बता देगा कि वो बेटर रिजल्ट्स किस चीज के साथ दे पा रहा है. ठीक है, तो दोनों का अपना यूटिलिटी है. मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं. एंट्रोपी इज स्लोअर बिकॉज इसमें लॉग्स हैं. जीनी इज फास्टर, बट इन सर्टेन केसेस एंट्रोपी विल गिव यू मोर बैलेंस्ड ट्रीज, वेयर एज जीनी को यूज करके हो सकता है थोड़ा ओवरफिटिंग हो जाए. मैं एक पेपर का लिंक यहां पे दे दूंगा जिसमें ये बात प्रूव किया गया है कि क्यों कुछ सर्टेन डेटा सेट्स में एंट्रोपी बैलेंस ट्री देता है वेयर एज जीनी ओवरफिट करता है. वो आप पेपर पढ़ सकते हो, बट या दैट्स द जिस्ट ऑफ इट. अभी तक हमने जब भी डिसीजन ट्री का बात किया है हमने पूरे टाइम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स का ही काम किया है. ठीक है, सो एवरी कॉलम दैट वी हैड इन द प्ले टेनिस वाला डेटा सेट वॉज कैटेगोरिकल. ठीक है, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न कि इफ यू गेट अ कॉलम विच इज न्यूमेरिकल तो क्या करना चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स से दिस इज योर डेटा सेट. इट्स अ वेरी सिंपल डेटा सेट वेर वी हैव टू कॉलम्स. इन वन कॉलम देर इज यूजर रेटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ऐप एंड इन द सेकेंड कॉलम देर इज अ कॉलम कॉल्ड डाउनलोडेड whether the app has been downloaded or not. Okay, so now you can easily see कि अगर ये एक categorical column होता तो हम उसके categories के basis पे group by करके इस column को आराम से split कर सकते थे. But now since ये categorical column नहीं है, ये एक numerical column है, तो अगर तुम इसके ऊपर n unique लगाओगे तो you will get n unique values, right? It may be 10, 15, 100, या हो सकता है कि एक भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा हो तो n हो जाए, लाइक जितने रोज उतनी यूनिक वैल्यूज. अब अगर तुम इस कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय लगाओगे और अपने डेटा सेट को यू नो स्प्लिट करोगे तो यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ सब ट्रीज. ओके, एंड ऑब्वियसली इफ यू हैव n सब ट्रीज यू कांट डू द कैलकुलेशंस. ओके, सो आई गेस थोड़ा प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि न्यूमेरिकल कॉलम के होने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है. सो लेट्स सी सॉल्यूशन क्या है. ओके, so let me show you step by step solution. So the step one is to sort the data on the basis of your numerical column. So as you can see this was my data initially aur maine user rating column ke basis pe pure data ko split kar diya. Okay, so hamare paas 5 no hai abhi bhi aur there are I guess 7 yeah 7 yes. So the next step would be to do this. What you do is you split the entire data on the basis of every single value of the user rating column. So let me show you मैं क्या बोल रहा हूँ. So what you do is you can see कि हमारा first row में user rating column का value is 1.6. So मैंने ये logic लगाया और मैंने लिखा if rating is greater than 1.6 और मैंने इस criteria के basis पे split किया अपने data को into two parts. So you can easily see there will be only one row जो इस criteria को match करेगा और बाकी सारे के सारे रोज इस क्राइटेरिया को मैच नहीं करेंगे. सो मेरे को दो डेटा सेट मिल गए फ्रॉम माय पेरेंट डेटा सेट. ओके, फिर हम इसको रिपीट करेंगे. सो व्हाट वी विल डू इज विल अप्लाई द सेम कंडीशन ऑन द सेकेंड रो. सो नाउ वी हैव गॉट टू रोज इन द डेटा सेट वन एंड द रेस्ट ऑफ रोज विल बी इन साइड डेटा सेट टू. एंड आई गेस समझ में आ रहा है इस चीज को हम रिपीट करते जा रहे हैं. लेट्स से हमने रेटिंग ले लिया 2.9. अब मेरे पहले डेटा सेट में 5 एलिमेंट्स हैं और दूसरे डेटा सेट में बाकी के एलिमेंट्स हैं. ओके, सो ये हम हर पर्टिकुलर वैल्यू के लिए करेंगे. सो वी विल ऑल्सो डू दिस फॉर 3.2, 3.3, 3.5, एवरी वैल्यू ऑफ यूजर रेटिंग यू आर गोइंग टू स्प्लिट योर पेरेंट डेटा सेट इंटू टू डेटा सेट्स. ओके, नाउ कम्स द क्वेश्चन कि अब करना क्या है. सो आगे का स्टेप बहुत सिंपल है. लेट मी जस्ट समराइज कि हमने अभी तक किया क्या. हमने हमारे डेटा सेट को हर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ यूजर रेटिंग के लिए दो डेटा सेट्स में स्प्लिट किया लाइक दिस. फॉर एवरी वैल्यू ऑफ यूजर रेटिंग वी स्प्लिट द एंटायर डेटा सेट इनटू टू पार्ट्स. ओके, सो यू कैन इजिली सी द वेरियस नेमिंग कन्वेंशंस. सो डी हियर सिग्निफाइज द डेटा सेट, एफ इज आवर कॉलम यूजर रेटिंग एंड दीज वैल्यूज v1, v2, v3 सिग्निफाइज द वेरियस रो वैल्यूज. ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू विल फाइंड आउट the entropy of each of these child datasets. So जब तुमने v1 के basis पे किया तब तुम d1 के लिए e1 निकालो, d2 के लिए e2 निकालो. Okay? जब तुमने v2 के ऊपर split किया
तब भी सेम काम और सो ऑन. ओके, सो यू विल डू दिस फॉर एवरी पर्टिकुलर सिनेरियो. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इज फॉर एवरी सिनेरियो मेरे पास दो चाइल्ड डेटा सेट्स हैं और उनका एंट्रोपी है मेरे पास, तो ये बिल्कुल कैटेगोरिकल कॉलम जैसा हो गया. अब हम क्या करेंगे, ये जो E1 और E2 है इसका वेटेड एंट्रोपी निकालेंगे, WE1. ओके, एंड सिमिलरली विल डू दिस फॉर द सेकेंड केस, थर्ड केस एंड सो ऑन. सो नाउ मेरे पास फॉर एवरी क्राइटेरिया मेरे पास वेटेड एंट्रोपी है, राइट. नाउ ये हमने कैटेगोरिकल वेरिएबल में भी किया था कि अब हम चाइल्ड का वेटेड एंट्रोपी को पेरेंट के एंट्रोपी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड वी विल गेट द इंफॉर्मेशन गेन फॉर द फर्स्ट सिनेरियो, फॉर द सेकंड सिनेरियो, फॉर द थर्ड सिनेरियो एंड सो ऑन. ओके, सो यहां तक आएंगे समझ में आ रहा है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. इन द नेक्स्ट स्टेप, नाउ दैट वी हैव गॉट एन इंफॉर्मेशन गेन वैल्यूज, आई फाइंड द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन. सो मैं पता करना चाह रहा हूं कि किस पर्टिकुलर स्प्लिटिंग क्राइटेरिया पे जो चाइल्ड डेटा सेट बना उससे मेरे को मैक्सिमम एंट्रोपी गेन हुआ. ओके, लेट्स से इट्स आई जी थ्री, थर्ड वाले कंडीशन के बेसिस पे. एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल सेट इट एज माई स्प्लिटिंग क्राइटेरिया. ओके, एंड फाइनली द लास्ट स्टेप इज टू डू इट रिकर्सिवली अंटिल यू गेट ऑल द लीफ नोड्स. ओके, सो यू जस्ट फाइंड आउट द नेक्स्ट वैल्यू एंड नेक्स्ट वैल्यू एंड द नेक्स्ट वैल्यू अंटिल यू गेट द लीफ वैल्यूज. ओके, सो दिस इज द एंटायर एल्गोरिदम. आई गेस थोड़ा समझ में आ रहा होगा. यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट, इट्स वेरी इंट्यूटिव एक्चुअली. नाउ देर माइट बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड, मतलब तुम लोग पूछ सकते हो कि ये पूरा का पूरा चीज बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत मेहनत करना पड़ रहा है सिर्फ एक नंबर को निकालने के लिए. तो क्या यही सही तरीका है स्प्लिटिंग क्राइटेरिया निकालने का इन द केस ऑफ न्यूमेरिकल कॉलम्स? एक्चुअली द आंसर इज येस, आपको ऐसे ही ये पूरा चीज करना पड़ता है. और क्यों है ये सही तरीका, आई कैन एक्सप्लेन दैट. बिकॉज द रीजन इज कि तुम ये जो पूरा चीज कर रहे हो, ये जो तुम न्यूमेरिकल कॉलम के ऊपर ये बार बार एन की वैल्यू के लिए यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द स्प्लिटिंग क्राइटेरिया, ये तुम सिर्फ एक बार कर रहे हो, दैट टू ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज. विच मीन्स कि डेटा साइंटिस्ट बैठ करके अपने मशीन पे ये काम कर रहा है बट वो सिर्फ एक बार हो रहा है. मतलब हो सकता है कि एक घंटा लग जाए ये निकालने में, मशीन को ट्रेन करने में, एल्गोरिदम को ट्रेन करने में, बट यू हैव टू डू इट ओनली वंस. यू डोंट हैव टू डू इट एवरी टाइम अ न्यू क्वेरी पॉइंट इज कमिंग. मतलब जब आप इस एल्गोरिदम को टेस्ट कर रहे हो या फिर आप इसको डिप्लॉय कर रहे हो एक एक्चुअल वेबसाइट पे, तब अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा है इस एल्गोरिदम से, तब आपको बार बार ये कंप्यूटेशन नहीं करना पड़ रहा. सो इट मीन्स कि इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम का ट्रेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज हायर बट द टेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज स्टिल लॉग एन का ऑर्डर का. Why? Because it's a tree-based algorithm. Okay? So, anyways, there are certain other ways jisko use karke people do certain hacks and they try to simplify the entire process. But this is the main foundation. That is how you do it if you are using decision trees. Isliye bola bhi jata hai ki decision trees are much more faster and apt for categorical data. ओके, सो अगर तुम्हारे डेटा में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, सो यू वुड ट्राई टू अवॉइड अप्लाइंग डिसीजन ट्रीज ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ओके, सो दैट वाज द वीडियो गाइस, थैंक यू.